क्या है यहाँ पे? नंबर एक दिक्कत तो गांव के लोग यहाँ पे गंदगी करते रहते हैं, दूसरे ये एक दरख्त का पूरे गांव के लोग इसमें सातून तो होते हैं, और गंदगी हमारे यहाँ लेटरिन में मतलब कि लेटरिन कर जाते हैं। और यहाँ ग्राम का प्रधान नहीं आता? ग्राम प्रधान बताते नहीं, ग्राम प्रधान यहाँ के सकल लोकेशन करता है, बताया जाता है। तो क्या बोले ग्राम प्रधान? कहते हैं कि समझाएंगे, बताएंगे, डांटेंगे। हाँ, तो इसके माध्यम से जो BRC में बैठते हैं खंड शिक्षा अधिकारी, उनको कुछ अवगत कराए हैं आप? सब कुछ कराए हैं, और कोई इसका सुनवाई नहीं हो रहा है। और तीन बार इस पे ताला टूटा। हाँ, हमारा सारा सामान उठा ले रहे। ये प्राथमिक विद्यालय बरौली है ना, विकासखंड कौंधियार जनपद प्रयागराज जी। ये देखिए यहाँ इनकी समस्या है, इन समस्याओं को सुनवाई करने के लिए भी है ग्राम प्रधान। इतना लापरवाही है कि इनका कोई मतलब यहाँ खंड विद्यालय में बच्चे इतना कर रहे हैं, ये गंदगी बहुत मचाते हैं यहाँ। कर्म प्रयागराज से अभिषेक कुमार मिश्रा के कौंधियार ब्लॉक में ग्राम सभा हाँबा में आए हुए हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर जितने भी सड़क है और चक्रोड यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पर नाली बहुत बनी, लेकिन नाली का निकासी नहीं है, पानी जाने के लिए कोई मकसद नहीं है। ग्राम प्रधान आज तक इसका कोई वो नहीं है, संज्ञान नहीं ले रहा है, और DM SDM कोई वो नहीं आ रहा है। आइए यहाँ बगल में रहते हैं, इनसे पूछते हैं कि आप बताइए कि यहाँ जो चक्रोड बनी है, चक्रोड है लेकिन बनी कुछ नहीं है, रास्ता आगमन ठप है, इसके बारे में आप क्या जानकारी देते हैं? मैं इसके बारे में क्या जानकारी दूँ आपको? ग्राम प्रधान को स्वयं इसको संज्ञान में लेना चाहिए था, क्योंकि आम रास्ता है, चक्रोड है, और दोनों तरफ लगभग यहाँ तक तो बन चुका है, और बीच में अधूरा है, और इसका बारिश का पानी तो बिल्कुल कहीं निकलता नहीं, तालाब के जैसा यहाँ पर भरा रहता है। और अभी क्या बताएं इसके बारे में, हम लोगों को तो जो दिक्कत है यही है, आने जाने वालों के लिए भी दिक्कत रहती है, मच्छर उच्छर, और यहाँ पर कीड़े मकोड़े मच्छरों का तो भंडार ही है। ये बताइए कि अभी जो जितने अधिकारी आए हैं, कोई इसमें संज्ञान लिया कि नहीं? कोई नहीं लिया। पहली बार तो कोई आता ही नहीं, अगर कोई आता भी है तो देख ताकि अपना गया, उसको क्या पड़ी है। आइए पंडित जी पूछते हैं कि ये बताएं कि जो चक्रोड में अभी तक यहाँ तक में लग रहा है चक्रोड आई है, इसके आगे पास ठप हो गई नाली के, पूर्ण रूप से देखने को मिल रहा है, बहुत गंदगी है, आप इस क्या कहना चाहते हैं? भैया कहना तो बहुत कुछ है, क्योंकि यहाँ की जो दुविधाएँ हैं वो जो है अधिकारी जन, हमारे प्रधान जन, अन्य हमारे सामाजिक स्तर पर चल रहे जो भी नेतागण हैं, वो इस पर कोई भी ध्यान नहीं देते। जैसा कि आप ये दिखाइए थोड़ा इधर, ये आप देख ही रहे हैं कि ये जो नाली नुमा खड़ंजा हो गया है, इसका आगे भैया जरा इधर करिएगा, ये आगे पानी निकासी का कोई मार्ग नहीं है। बारिश के मौसम का हाल छोड़िए, ये लोग रोकते हैं, ये हमेशा यही हाल है कि यहाँ पानी ना निकल पाने के कारण हम लोगों का रास्ता आवागमन अवरुद्ध होता ही है, और ये गांव का बहुत ही पुराना मार्ग है, यहाँ पहले ये द्विवेदी जी का घर हुआ करता था, वो घर भी गिरा दिया गया, मंदिर की सीढ़ी थी वो भी गिरा दी गई, लेकिन भैया मार्ग जो है ना बना है ना बनने की आशंका है। आगे वाले रोकते हैं कि घर से नाली नहीं गया। रोकने की बात छोड़िए, जो कोई बना कौन रहा है कि रोकने वाले, चलता ही नहीं तो उसको रोकेगा कौन? जी सर, सर देखने बता रहे हैं कि बाबा जी थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, आइए देखते हैं कि यहाँ नाली ठप हुआ है। और यहाँ SDM महोदय से बात, यहाँ पर गुजारिश है कि यहाँ आकर ग्राम सभा में नाली निकालने की कोशिश करें, और BDO सब जितने अधिकारी भी बोल एप्लीकेशन के द्वारा उनको संज्ञान लेते हैं और बताते हैं कि, तो बोलते हैं कि यहाँ पर नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ आकर मेन मुआयना करते हुए पता चला कि अभी तो कुछ भी नहीं बना है, और पानी पूरे जंजल रूप में भरा हुआ है। प्रयागराज से अभिषेक मिश्रा, जय हिंद।